हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, अगर आप भी बीए बीएससी बीकॉम में नामांकन के लिए ऑनलाइन किए हैं सेशन 23-27 में, अगर आप भी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहां पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आखिर क्या कुछ कहती है यूनिवर्सिटी, क्या अब सेकेंड लिस्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस वीडियो के माध्यम से सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये जो वीडियो होगा आपका अंतिम वीडियो होगा जेपी यूनिवर्सिटी पर सेकेंड मेरिट लिस्ट पर। चलिए हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी खबर आती है तो आप सभी को सबसे पहले बताया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, जेपी विश्वविद्यालय स्नातक के नए सत्र में 50% से अधिक सीटें अभी भी खाली है। लेकिन यहां पर आप सभी जब देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 23-27 के प्रथम वर्ष में 50% से भी अधिक सीटें अभी भी खाली है। विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छपरा सीमान गोपालगंज के 32 अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में इस साल कुल 39,240 सीटों पर नामांकन के लिए 48,759 छात्रों ने अप्लाई किया था। पहली सूची में 25,000 छात्रों का नाम जारी किया गया था, इसमें मजह 18,037 छात्रों ने ही अपना नामांकन कराया। इसके बाद छात्रों को सेकेंड लिस्ट जारी होने का इंतजार था। 2 माह पहले ही पहली सूची पर नामांकन की प्रक्रिया क्लोज कर दी गई है। वहीं 2 माह के लंबे इंतजार के बाद भी अब तक विश्वविद्यालय ने दूसरी सूची जारी नहीं की है। दूसरी सूची जारी होने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है। यदि सूची जारी नहीं हुई तो उन छात्रों का करियर खराब हो जाएगा और उन्हें स्नातक करने के लिए 1 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जेपीयू में स्नातक के सत्र काफी विलम्ब से चल रहे हैं। अभी स्नातक के 3 सत्र अपने निर्धारित समय से 1.5 से 2 साल पीछे है, लेकिन वर्तमान सत्र को नियमित समय पर संचालित करने के उद्देश्य से यूजीसी और राजभवन के निर्देश पर पहले ही इस सत्र का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार दिसंबर में स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर को पूरा कर लेना है। वहीं 2024 में स्नातक सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन शुरू हो जाएगा, इसका भी शेड्यूल जारी हो चुका है। लेकिन यहां पर सबसे पहले आप एक पॉइंट को देखेंगे, यहां पर DSW ने क्या कहा है। स्नातक नामांकन की दूसरी मेगा सूची बना ली गई थी, लेकिन सूची प्रकाशित होने वाली एजेंसी के भुगतान विवाद के कारण सूची प्रकाशित नहीं हो पाई। तत्कालीन कुलपति के संज्ञान में दिया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरी मेगा सूची का प्रकाशन का संभावना लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है, एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरी मेगा सूची की प्रकाशन की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। डॉक्टर सरफराज अहमद, जो कि DSW है जेपी यूनिवर्सिटी के, तो इस तरह से आप सभी यहां पर देख सकते हैं। फिर आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग 1 साल अपना बर्बाद देखना नहीं चाहते हैं तो अभी इग्नू में एडमिशन हो रहा है, आप सभी करा सकते हैं। 30 सितंबर तक अंतिम तिथि है, अन्यथा आप लोग 1 साल इंतजार करें ताकि आगे आप लोग अप्लाई कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस जानकारी को अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।